दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं वीडियो पैड वीडियो एडिटर का ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊंगा, तो मैं लेके आ चुका हूं। तो देख लीजिए, सबसे पहले ओपन करते हैं, कुछ ऐसी आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। कोई मैसेज पॉपअप होगा एनसीएच की तरफ से, तो वो आप क्रॉस कर दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है उसे पढ़ने की, और आपके सामने डायरेक्ट ये स्क्रीन आ जाएगी। तो कैसे प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करना है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको फोल्डर और टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, वो कुछ भी नहीं है, और यहाँ से आप सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिल्मोरा या अलग अलग वीडियो एडिटर्स होते हैं, उनमें सेव, सिर्फ आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, वीडियो को नहीं। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरा बटन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी फाइल्स को इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आप रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब कैमरा कैप्चर ये ऑन हो जाएगा आपका। कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है आप चूज कर लीजिए, कैप्चर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, या स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया, आप स्टार्ट कर लीजिएगा, नॉर्मल है, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस एक बार आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं एडिटिंग करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एड फाइल्स पे जाना होता है, तो कोई भी आप अपनी फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपनी फाइल्स में से कोई भी एक वीडियो चूज कर लेता हूँ, ये वाली वीडियो है तो मैं ये वाली चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो किसी की वीडियो है, तो मैं उसे एडिट करके बताऊंगा, इसमें थोड़ा बहुत ही एडिट करके बताऊंगा, उतना ज्यादा नहीं बताऊंगा। आपके सामने ये देख लीजिए, ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए होंगे यहाँ के सामने, 360 डिग्री वाली वीडियो की, टाइमर के, और यहाँ पे प्ले और पॉज का भी ऑप्शन खुल गया होगा। मैं एक बार साउंड को क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और अब देख लीजिए, इसको आपको यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है। यहाँ पे आप ड्रैग करके ले आएंगे तो आपका ऑडियो जो है वो अलग में आ जाएगा, और वीडियो जो है वो अलग में आ जाएगी। आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं जैसा आप चाहें, और फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्सर यहाँ रखा, तो यहाँ आपको एक स्प्लिट का बटन दिख रहा होगा, या फिर यहाँ भी दिख रहा होगा, तो उस पर आप स्प्लिट करके इसे स्प्लिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को, सिर्फ इस वीडियो को अगर आपको ऊपर ले जाना है, तो सिर्फ ऊपर ड्रैग कर दीजिए, एक नया आपकी वीडियो ट्रैक बन जाएगा। फिर इसे और ऊपर कर दीजिए तो एक और नया वीडियो ट्रैक बन जाएगा। जितना ऊपर आप इसे लेके जाते रहेंगे, उतना इसका वीडियो ट्रैक बनता जाएगा, और बाद में एक ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है या नहीं कर देता, आपकी मर्जी है, वो आप करना चाहे तो देख लीजिए कितने ट्रैक्स आपको चाहिए। आप इसमें डबल स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जब मैं इस वीडियो को यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ वो वाली लेयर देख लीजिए यहाँ पे आ रही है, मतलब एक के पीछे एक वाली लेयर सेलेक्ट हो रही है, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लेयर मैंने इम्पोर्ट कर दी है। तो जैसे आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं यहाँ, लेकिन आप इसमें क्रोमा की जो है वो वाली शायद आप इनेबल नहीं कर सकते, वो मैं देखता हूँ, अभी ऑप्शंस मिलेंगे तो देख लीजिएगा। तो यहाँ आपको ये सब कर लेना है, और उसके बाद यहाँ जब आप डबल टैप करते हैं, तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें ऑप्शंस ऊपर आ जाते हैं। ऊपर के ऑप्शंस का क्या क्या रोल है ये मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको वीडियो इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और आपको यहाँ कर्सर को उस पर रखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस पर आप डबल टैप कर दीजिएगा और वो आपका लग जाएगा सिंपली। और उसके बाद वो एक और स्पेसिफिक एक विंडो छोटी सी ओपन करके देगा कि आपको कैसे करना है, राइट से लेफ्ट करना है, या वहां से यहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आप वहां से सेलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से उसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्रॉस मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपका लग गया, यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा कि लग चुका है, तो ये आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको ऑडियो के इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए एम्पलीफाई है, बहुत सारे ऑडियो के इफेक्ट्स हैं जो भी आप लगाना चाहें अपने ऑडियो पे, तो उस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही वो इफेक्ट भी आपका लग जाएगा, बस यहाँ आपको साउंड सेलेक्ट कर लेना है कितना होना चाहिए, देख लीजिए, और फिर आपको क्रॉस कर देना है जिसमें भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, जिस ऑडियो को भी। इस ऑडियो को जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब मैं करूँगा तभी लगेगा ये इफेक्ट, वैसे नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ देख लीजिए कितना सबका ऑप्शन आ रहा है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, तो यहाँ हमारा लग गया है वो। और वीडियो को अगर आपको ट्रिम करना है, तो यहाँ सिंपली आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ वो ट्रिम हो जाएगा, देख लीजिए जैसा आप करना चाहते हैं वैसा वो ट्रिम हो जाएगा। और वीडियो को जहाँ भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, मतलब उठा के रखना चाहें, वो आप कर सकते हैं इससे ही। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने ये इफेक्ट लगाया था मिरर वाला, तो ये देख लीजिए कुछ ऐसी हमारी स्क्रीन आ रही है मिरर वाले में, कुछ मैंने मिरर वाला लगा दिया था इफेक्ट, तो देख लीजिए डबल विंडोज आ रही है, पर ये सिंगल ही है। यहाँ देख लीजिए डिजिटल टेक्नोलॉजी आर्ट का वो आ रहा था, तो ये देख लीजिए वो भी उल्टा ही आ रहा है। तो जैसे आप इफेक्ट्स लगाएंगे, वो सारी चीजें आप इसमें इनेबल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, जो भी टेक्स्ट मैं लगाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ आपको ऐड टेक्स्ट पे चले जाना है, ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन वाले वो वाली। तो यहाँ पे मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, डबल टैप मैंने कर दिया है इस पे, तो यहाँ आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी आर्ट डिजिटल ही रहने देता हूँ, और यहाँ से आपको राइटिंग चूज कर लेनी है, जो भी आप चूज करना चाहें।
जैसे बहुत सारी राइटिंग्स इम्पैक्ट है, जैसे आपको और सारे में मिलता है सेम पावर पॉइंट जैसी सारी राइटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, जो भी आप चूज़ करना चाहे वो चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद कर लीजिएगा। और यहाँ इसको सेलेक्ट करके ही राइटिंग चूज़ करिएगा तो बेटर होगा। इसका साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ आउटलाइन कितनी रहनी चाहिए वो आप इनेबल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए वो आप देख सकते हैं। फुल बैकग्राउंड रहना चाहिए, टेक्स्ट का बैकग्राउंड होना चाहिए या पूरा एडिटर बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब इरेज्ड बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का, वो वाला होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेंटर में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल कैसे होगा, टॉप से होगा, बॉटम से होगा, लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए बैकग्राउंड का कलर भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से पूरे कलर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ढेर सारे, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्लू ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर दीजिएगा, ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा मेरा मतलब है। और फिर देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और यहाँ हम कर्सर्स को लेके जाते हैं, तो ये देख लीजिए हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें अगर मैंने डिजिटल को थोड़ा सा नीचे कर दिया है यहाँ से उठा के, ये देख लीजिए, तो ऐसे आप डिजिटल को नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो में देख लीजिए यहाँ पे डिजिटल कैसा लिखा हुआ आ रहा है, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपको स्लिट का ऑप्शन भी दिख जाता है। तो यहाँ मैं एक चीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इतने से मैंने लेयर को सेलेक्ट कर लिया और मुझे ये डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो इतना पार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ आपको क्लिप्स के ऑप्शन पे जाना है, क्लिप्स के ऑप्शन पे आपको नॉर्मल जो है यहाँ पे आप देख लीजिए ऑनलाइन क्लिप आप खरीद सकते हैं। और जो भी क्लिप मैंने सेलेक्ट करी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली क्लिप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ ट्रिम स्टार्ट टू एंड, लेफ्ट से ट्रिम होगा, राइट से ट्रिम होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद ही ऊपर के आपके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और वैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आपको इफेक्ट्स में चले जाना है, इफेक्ट्स में आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ आप उसे क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करने का मतलब देख लीजिए सिंपली आप क्रॉप कर सकते हैं, वाई एक्सेस से कितना होगा ये देख लीजिए सामने ही आपको दिख रहा है कैसे क्रॉप हो रहा है इस तरफ, देख लीजिए मैं इसे थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, तो यहाँ आपको क्रॉप होने का दिख रहा है कैसे क्रॉप होगा, कैसे ऊपर होगा, कैसे नीचे होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। मैं इसे फुल करके क्रॉस कर देता हूँ। और यहाँ आपको कलर एडजस्टमेंट पे चले जाना है, कलर एडजस्टमेंट पे जाने के बाद आप जो भी कलर एडजस्ट करना चाहें कैसा होगा, ब्राइटर होगा, लो होगा, ज़्यादा ही हाई होगा ब्राइटनेस या ज़्यादा ही लो होगी ब्राइटनेस, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। कितना कंसंट्रेशन होगा, कितना ये चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पता ही होगा अपने अनुसार आप कैसे ही सेट कर सकते हैं कलर चेंजेस को, ओके। तो यहाँ आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है, जूम के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल कितनी जूम हुई है वो वाली किसी एक स्पेसिफिक फाइल को जूम करने के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। देख लीजिए वाई एक्सेस कितना होना चाहिए, चीजें कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें। ये सिंपल सा ही है, ज्यादा इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते और सिंपल तरीके से आप सिंपल वे में सिंपल सिंपल चीजें आप इससे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए आपको टेक्स्ट के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे ऊपर ही, तो ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो किसी टेक्स्ट को पहले ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपके थोड़े बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे टाइपराइटर वाला इफेक्ट हो गया, मोबालाइज वाला इफेक्ट हो गया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस इफेक्ट को इनेबल करिएगा, वरना आपका इफेक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और ऊपर आपको ऑडियो के ऑप्शन पे चले जाना है, ऑडियो के ऑप्शन पे सिंपल आपको ऑडियो ही दिखेगा। ऑडियो के ऑप्शन पे यहाँ आप टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब आप एक डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट टाइप बना सकते हैं अपने वर्ड्स का, जो भी आपने अपने उसमें बोला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पे सब टाइटल्स देते हैं ना, सब टाइटल्स में हमें पूरा टाइप करके लिखना होता है, एक डॉक्यूमेंट ही फीड करना होता है तभी वो नीचे शो करता है सब टाइटल्स, सेम वैसे ही आपको सब टाइटल्स इसमें डाल देने, एक तरह से अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो सब टाइटल्स इसमें डाल दीजिए और उसे ये वॉइस में चेंज करके आपको दे देगा। तो ये आपके लिए फ्री में मिल जाता है वॉइस में चेंज करने का। बाकी आपको फैड इफेक्ट मिल जाते हैं और ऑडियो के इफेक्ट जैसा कि मैंने बताया था पहले ही आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप सीडी में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐड फाइल्स म्यूजिक आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अलग तरीके से, जो आपको सिंपल जाना है ऐड फाइल्स में चले जाना है और म्यूजिक जो भी है वो इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, आपको समझ आता होगा कैसे आपको इंपोर्ट करना है। अब सबसे बड़ी बात रह जाती है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट आप इससे विदाउट वाटरमार्क कर सकते हैं, मैं चेक कर चुका हूँ बिना वाटरमार्क के आ जाता है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ आपको सूट के ऑप्शन पे चले जाना है। सूट के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो इसके और भी बहुत सारे, जैसे प्रोडक्ट्स नहीं होते बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेस एनिमेट है, एक्सप्रेस एनिमेट है, इस पर जब आप डबल टैप करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए जैसे मेरा नेट ऑफ है तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे एक्सप्रेस एनिमेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपोर्ट पे चले जाना है, अब आपको वीडियो फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिख रहे होंगे कि कैसे एक्सपोर्ट होगा, यूट्यूब पे अपलोड करना चाहेंगे, इस पर अपलोड करना चाहेंगे, गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऊपर यहाँ चले जाना है वीडियो फाइल में और वीडियो फाइल को ऐसे
ये फाइल को करने के बाद यहाँ आपके सामने एक थोड़ा सा ऑप्शन मिलेगा कि वीडियो ट्रायल वर्जन में है आपका, जो ये है वीडियो पैड वीडियो एडिटर वो ट्रायल वर्जन में है। तो यहाँ है परचेज वीडियो पैड एंटर कोड या आई विल परचेज लेटर, तो आई विल परचेज लेटर पे आप क्लिक कर दीजिएगा कि बाद में हम खरीद लेंगे इसका ऑप्शन। और यहाँ देख लीजिए आपको जो भी सीक्वेंस रखना है आप कस्टमाइज कर सकते हैं, रिजोल्यूशन अपना देख सकते हैं कितना होना चाहिए, अल्ट्रा एच डी तक की क्वालिटी आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये 4K क्वालिटी है, इसे आप इनेबल कर सकते हैं तो आपकी क्वालिटी 4K होगी। यहाँ आपको एस्टिमेट साइज दिख रहा होगा इतने MB का है आपका साइज, तो ये भी बिल्कुल सेम है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ आप फ्रेम रेट इनेबल कर दीजिएगा तो इसमें मैक्सिमम आप 45-60 तक का फ्रेम रेट आप कर लीजिए, 45 का रख लीजिएगा, जो भी आपकी मर्जी है वो आप रख सकते हैं। आपकी कंप्यूटर की का जो ग्राफिक कार्ड है वो भी GPU भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ एक एक्सपोर्ट फाइल का आ जाएगा कि एक्सपोर्ट हो रही है, फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। तो एक्सपोर्ट मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि तो मुझे नहीं करना, ठीक है। तो आप कर सकते हैं अपना एक्सपोर्ट, यहाँ विदाउट वाटरमार्क लग के आ जाता है, मैंने एक बार खुद एक्सपोर्ट करके देखा था, विदाउट वाटरमार्क ही आया था, ठीक है। तो आप भी इससे कर सकते हैं एडिट। उम्मीद है आपको एक-एक ऑप्शंस के बारे में कि कैसे हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।